मैं अब इस फायरवॉल को कनेक्ट करूँगा। तो जैसा मैंने बताया कि फायरवॉल को हमेशा एक्सटर्नल और इंटरनल नेटवर्क दोनों के बीच में रखते हैं, तो हमारे पास इंटरनेट की लाइन आई हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रिपल POE बॉक्स है। इस बॉक्स पे ये डायरेक्ट इंटरनेट लाइन आई हुई है। ये लाइन हमारी ISP की लाइन है जो इस ट्रिपल POE बॉक्स से होकर गुजर रही है। दूसरी तरफ ये हमारा ईथरनेट केबल निकला हुआ है। ये केबल आपका इस छोटे से स्विच में कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ये केबल है जिसके थ्रू इंटरनेट चल रहा है। तो अब इस केबल को मैं फायरवॉल के इस WAN 1 या WAN 2 पोर्ट में लगाऊंगा। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करूँगा, इसको कनेक्ट करूँगा। ये WAN 1 में मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा LAN केबल है। इस LAN केबल को मैं LAN 0 या 1 पोर्ट में कनेक्ट करूँगा। इसके बाद इसको मैं डायरेक्ट सिस्टम में भी कनेक्ट कर सकता हूँ या किसी स्विच में डाल सकता हूँ। सिस्टम में कनेक्ट करने से एक ही सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस होगा फायरवॉल के थ्रू, और साथ साथ में सिक्योरिटी भी होगी। अगर मैं इसको किसी स्विच में डाल देता हूँ, जैसे कि मैं इस स्विच में डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पोर्ट नंबर 2 खाली है, इस पोर्ट में डाल दे रहा हूँ, तो ये जो फायरवॉल है ये हमारे जितने भी सिस्टम कनेक्टेड हैं इससे वो सारे के सारे सिक्योर हो जाएंगे। यहाँ मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो अब मैं जिस सिस्टम से इसको एक्सेस करूँगा उस पर जो फायरवॉल है वो एक IP एड्रेस असाइन करेगी हमें ऑटोमेटिक। इसके अंदर DHCP होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो ये मैंने इसको बीच में प्लेस कर दिया है, यानी इंटरनेट ये ISP लाइन है। ये ISP लाइन WAN 1 में है। सेकेंड, ये LAN केबल है जो हमारे LAN में चली गई है। इसको इस केबल को मैंने बताया कि आप डायरेक्ट सिस्टम में भी कनेक्ट कर सकते हैं LAN केबल को, या एक स्विच में भी डाल सकते हैं। तो अभी मैंने इस स्विच में डाल रखा है। इससे क्या है, सारे के सारे सिस्टम में ये शेयर हो जाएगा, और देन मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। इस को मैं पावर दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके पावर अडाप्टर को पावर लगाया है। ये हमारे पास पावर कॉर्ड है, इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पावर लगा दे रहा हूँ। देन आप देख सकते हैं फ्रंट पे, यहाँ पर जैसे मैं इसकी पावर ऑन करूँगा यहाँ पर LED ब्लिंक करेंगे। तो ये हमारा फायरवॉल चालू हुआ है, अभी स्टार्ट होगा। अब मैं इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं ये बताऊँगा। तो इसके लिए मुझे इस फायरवॉल को वेब के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा, जो कि इसके IP एड्रेस से होगा। तो देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर होता है।